नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी घर में चमगादड़ आने से क्या होता है। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। वैसे तो प्राचीन काल से कई चीजों को लेकर विश्वास और अंधविश्वास की बहस छिड़ी हुई है। जी हाँ, तभी तो आधुनिक समय में बहुत से लोग ऐसे है जो प्राचीन काल से चली आ रही बातों को नहीं मानते, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शुभ अशुभ की बातों को अब भी मानते हैं, जैसे कि पूजा की थाली का गिरना या दिए का बुझना या दूध का उबलकर गिर जाना और बिल्ली का रास्ता काटना या फिर किसी अन्य बुरे जीव जंतु का घर में घुस जाना अशुभ ही माना जाता है। बता दे कि और किसी जीव का घर में घुसना भले ही अशुभ न माना जाता हो, लेकिन घर में चमगादड़ का घुसना काफी बड़ा अपशकुन माना जाता है। खासकर किसी खुशी के मौके पर घर में चमगादड़ का आना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। बहरहाल आज हम आपको इसी शुभ और अशुभ की कड़ी में जुड़े कई संकेतों से रूबरू करवाना चाहते हैं। तो चलिए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। भूकंप आने का संकेत है टिटहरी। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन टिटहरी पेड़ पर रहने लगे तो यह भूकंप आने का संकेत होता है। दरअसल ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि टिटहरी वो प्राणी है जो कभी पेड़ पर नहीं रहती, बल्कि जमीन पर ही अंडे देती और जमीन पर ही रहती है। यानी इसका पेड़ पर दिखना किसी खास वजह का संकेत होता है और वह वजह भूकंप है। घर में चमगादड़ का घुसना माना जाता है बेहद अशुभ। बता दे कि घर में चमगादड़ के आने का मतलब ये है कि आपके घर में जल्दी ही किसी की मौत होने वाली है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि ये घर के खाली होने का काफी बड़ा संकेत है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में चमगादड़ घुस जाए उस घर के लोगों को ऐसी बीमारियाँ हो जाती है जिनका प्राचीन काल से कोई इलाज ही नहीं मिल पाया है। यानी अगर हम साफ शब्दों में कहें तो चमगादड़ को हर हाल में मौत और बुराई का संकेत माना जाता है। चिड़ियों के घोंसले से होती है खुशियों की शुरुआत। आपको जानकर खुशी होगी कि अगर आपके घर में चिड़ियों ने घोंसला बना रखा है तो इससे आपके घर में केवल खुशियों ही आएंगी। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में चिड़ियाँ घोंसला बनाकर रहने लगे उस घर में खुशियों की शुरुआत होने वाली होती है। इसके साथ ही उस घर के सभी दुख भी दूर हो जाते हैं और मन भी प्रसन्न रहता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले।